नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर जनवरी से लेकर दिसंबर 2018 तक के करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण 600 प्रश्न की एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसके दो पार्ट में पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और ये आज टेस्ट नंबर 3 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आगे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे कि UPVDO और UP पुलिस का एग्जाम आ रहा है, तो इन एग्जाम्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 100 तक मैं पहले ही कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो आज 101 से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो हमारा आज 101वां क्वेश्चन है। संपूर्ण विश्व में 1 मई 2018 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण विश्व में 1 मई 2018 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी मई 1986 में, 1 मई 1986 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने 1 मई 2018 को पत्र सूचना कार्यालय PIB के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? तो इसका ऑप्शन सी सही है, सितांशु कार। सितांशु कार ने PIB के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री व पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री अशोक मित्रा का 1 मई 2018 को निधन हो गया। बंगाली साहित्य में योगदान के लिए उन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वर्ष 1996 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था अशोक मित्रा जी को, पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 9वीं भारत जापान ऊर्जा वार्ता 1 मई 2018 को कहाँ संपन्न हुई? तो ये संपन्न हुई थी नई दिल्ली में। 9वीं भारत जापान ऊर्जा वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 105, किस राज्य की सरकार ने मई 2018 में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान करना शुरू किया? 60 वर्ष और उससे अधिक की आयु के नागरिकों को पेंशन प्रदान करना शुरू करा है असम गवर्नमेंट ने। ठीक है, असम गवर्नमेंट, सर्वानंद सोनोवाल यहाँ के CM है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 मई 2018 को CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने कृषि क्षेत्र में छतरी योजना, हरित क्रांति कृषोन्नति योजना, हरित क्रांति कृषोन्नति योजना को जारी रखने की स्वीकृति दी। छतरी योजना में कितनी योजनाएं अथवा मिशन शामिल हैं? तो इसमें 11 11 योजनाएं शामिल हैं। ठीक है, छतरी योजना में 11 योजना शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसकी अध्यक्षता में 2 मई 2018 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की स्मृति हेतु राष्ट्रीय समिति की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई? तो इसका ऑप्शन बी सही है, प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत गलत बता दिया ये मैंने, इसका ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 108, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 2 मई 2018 को जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कितने भारतीय शहर शामिल हैं? तो भारत के 14 शहर इसमें शामिल हैं, जिनमें कानपुर सबसे गंदा है। ठीक है, 14 शहर शामिल हैं और कानपुर सबसे गंदा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2 मई 2018 को जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? तो ये कानपुर, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, कानपुर है प्रथम स्थान पर। अगला क्वेश्चन, मई 2018 में लीविया में किसके मुख्यालय पर आत्मघाती हमला किया गया? तो ये हमला किया गया था चुनाव आयोग के मुख्यालय पर, चुनाव आयोग के मुख्यालय पर लीविया में आत्मघाती हमला किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2 मई 2018 को कोट्टयम पुष्पनाथ का निधन हो गया। वे थे, कोट्टयम पुष्पनाथ जो थे वे एक उपन्यासकार थे, उपन्यासकार ऑबिचुअरी सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हवाई द्वीप में स्थित किस ज्वालामुखी में 2 मई 2018 को विस्फोट हुआ, जिसके कारण इस देश में आपातकाल की घोषणा की गई? तो इसका ऑप्शन ए सही है, किला यूए, किला
यूए में आपातकाल की घोषणा की गई थी ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 मई 2018 को डिजिटल हस्ताक्षरित भूमि रिकॉर्ड रसीद, जिसे 7/12 रसीद भी कहा जाता है, जिसे 7/12 रसीद भी कहा जाता है, प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है, तो यह महाराष्ट्र। 7/12 रसीद जो प्रदान करी है वो करी है महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन है, राधा कृष्ण नायर 2 मई 2018 को किस बैंक के स्वतंत्र निदेशक नियुक्त हुए? ये नियुक्त हुए हैं आईसीआईसीआई बैंक के। राधा कृष्ण नायर आईसीआईसीआई बैंक के स्वतंत्र निदेशक नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और आईसीआईसीआई बैंक के हेडलाइन वो क्या है, टैगलाइन, हम है ना ख्याल आपका। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा 2 मई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2013 से 1 मार्च 2018 की अवधि में कितने बैंक घोटाले हुए? तो ये हुए हैं 23,866। ऑप्शन डी इसका सही है, 23,866। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 मई 2018 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना के तहत कितने रुपए की धनराशि स्वीकृत की? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 715.60 लाख। ठीक है, 715.60 लाख, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हुए हैं यहाँ पे, तीन कथन दिए हुए हैं, फिर पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो पहला कथन है, केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री उमा भारती और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल से 1 मई 2018 को राष्ट्रीय गोबर धन योजना की शुरुआत की। अगला है, इस योजना की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई है। अगला है, केंद्रीय बजट 2018-19 में इस योजना की घोषणा की गई थी, तो इसमें तीनों ही कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिप्री द्वारा SIPRI द्वारा 2 मई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सेना पर खर्च करने वाले शीर्ष 5 देशों में 5वें पायदान पर पहुंच गया है? तो यह है हमारा अपना इंडिया, यह शीर्ष 5 देशों में 5वें नंबर पर पहुंच गया है सेना पर खर्च करने वाले देशों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 3 मई 2018 को किसे 15वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नामित किया, नियुक्त किया? इसका ऑप्शन सी सही है, अशोक लाहिड़ी। अशोक लाहिड़ी को 15वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120, महाराष्ट्र सरकार ने 3 मई 2018 को किस कवयित्री के नाम पर जलगांव स्थित उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय का नाम, उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करने हेतु अध्यादेश जारी करने की सिफारिश को मंजूरी दी? तो इसका ऑप्शन सी सही है, बहन बाई चौधरी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी और विद्युत मंत्रालय के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत एनटीपीसी द्वारा 3 मई 2018 को वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कितने यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 268 अरब यूनिट, 268 अरब यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ये समझौता हुआ है एनटीपीसी और विद्युत मंत्रालय के मध्य, और 268 अरब यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे के परिचालन प्रारंभ करने हेतु 4 मई 2018 को लाइसेंस प्राप्त हुआ, यह भारत का कौन सा कार्यात्मक हवाई अड्डा होगा? तो यह 100वां हवाई अड्डा है, पाक्योंग हवाई अड्डा जो कि सिक्किम में है, बनाया गया है अभी, यह भारत का 100वां हवाई अड्डा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैश्विक परामर्श फर्म एटी कियर्नी द्वारा 4 मई 2018 को जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विश्वास सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को प्राप्त हुआ है स्थान 123 का सही आंसर है 11वां, भारत को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 124वां, पीसीए वर्ल्ड टूर प्रतियोगिता अबू धाबी ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2018 का खिताब 5 मई 2018 को किस खिलाड़ी ने जीता? तो इसका ऑप्शन बी सही है, रमित टंडन, रमित टंडन
हमारे यहाँ के स्क्वैश प्लेयर हैं और इन्होंने अबू धाबी ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2018 का खिताब जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 5 मई 2018 को संपन्न हुई मोरक्को ओपन 2018 टेनिस प्रतियोगिता का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है एलिसे मर्टेस ने, एलिसे मर्टेस ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह की संरचना को गहराई से समझने के अपने महत्वपूर्ण मिशन के तहत 5 मई 2018 को इनसाइट यान प्रक्षेपित किया? नासा का जो इनसाइट यान है वो मंगल ग्रह के लिए है। ठीक है, मंगल ग्रह के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127, 5 मई 2018 को संपन्न पीजीए टूर की गोल्फ प्रतियोगिता वेल्स फार्गो चैंपियनशिप 2018 का खिताब किसने जीता? ये जीता है जेसन डे ने, जेसन डे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक अर्जुन हिंगोरानी का 5 मई 2018 को निधन हो गया। उन्होंने अपनी किस फिल्म से वर्ष 1960 में अभिनेता धर्मेंद्र को लॉन्च किया था? तो इसका ऑप्शन ए सही है, दिल भी तेरा हम भी तेरे। इस फिल्म से उन्होंने धर्मेंद्र को लॉन्च किया था, अर्जुन हिंगोरानी। ठीक है, रिसेंटली पास्ट अर्जुन हिंगोरानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, टेनिस प्रतियोगिता पराग्वे ओपन 2018 का खिताब 5 मई 2018 को किस महिला खिलाड़ी ने जीता? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पेट्रा क्यूटोवा। पेट्रा क्यूटोवा ने टेनिस प्रतियोगिता पराग्वे ओपन 2018 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130, 6 मई 2018 को संपन्न हुई न्यूजीलैंड ओपन 2018 बैडमिंटन प्रतियोगिता का प्रो साइकिल का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है लिन डान ने, लिन डान, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 से 6 मई 2018 तक एशियाई विकास बैंक एडीबी, एशियन एशियन डेवलपमेंट बैंक की 51वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई थी मनीला में, फिलीपींस की कैपिटल मनीला में एडीबी की 51वीं वार्षिक बैठक आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, और एडीबी के हेड कौन है एट प्रेजेंट? तो वो है ताकी हिको नाकाओ, और मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 132वां वॉलंटियर्स ऑफ अमेरिका एलपीजीए नॉर्थ डलास क्लासिक 2018 गोल्फ प्रतियोगिता का खिताब 6 मई 2018 को किसने जीता? तो यह जीता है, 132वें क्वेश्चन का सही आंसर है पार्क सुंग ह्यून, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। किस खिलाड़ी ने, अगला क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने 6 मई 2018 को संपन्न हुई इस्तांबुल ओपन 2018 टेनिस प्रतियोगिता का प्रो साइकिल का खिताब जीता? इसका ऑप्शन ए सही है, तारो डेनियल, तारो डेनियल ने इस्तांबुल ओपन 2018 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 6 मई 2018 को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ओआईसी में भारत को पर्यवेक्षक बनाने का प्रस्ताव किया? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बांग्लादेश, बांग्लादेश ने भारत को ओआईसी में पर्यवेक्षक बनाने का प्रस्ताव किया। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध मराठी गायक अरुण दाते का 6 मई 2018 को निधन हो गया, वे किस राज्य के गजानन राव वाटवे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? तो इसका ऑप्शन डी सही है, महाराष्ट्र, गजानन राव वाटवे पुरस्कार जो है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु 7 मई 2018 को कितनी राशि के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 200 मिलियन डॉलर, 200 मिलियन डॉलर के हस्ताक्षर किए गए भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने 7 मई 2018 को शिक्षा के क्षेत्र में विदेश सेवा संस्थानों के माध्यम से राजनयिक सहयोग मजबूत करने हेतु समझौता किया? तो ये समझौता हुआ है ग्वाटेमाला के साथ। ठीक है, ग्वाटेमाला के साथ शिक्षा के क्षेत्र में विदेश सेवा संस्थानों के माध्यम से राजनयिक सहयोग मजबूत करने के लिए समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग और किस कंपनी ने देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए 7 मई 2018 को आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए गूगल और नीति आयोग, इन
इन दोनों के बीच समझौता हुआ है, ठीक है, गूगल और नीति आयोग। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा 8 मई 2018 को विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर जीवन रक्षक ऐप का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश द्वारा। हिमाचल प्रदेश द्वारा विश्व थैलेसीमिया दिवस जो कि 8 मई को मनाया जाता है, उस पर एक जीवन रक्षक ऐप का शुभारंभ किया गया है हिमाचल प्रदेश द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 8 मई 2018 को फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची 2018 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है सी जिनपिंग को, जो कि चाइना के प्रेसिडेंट हैं, और हमारे पीएम मोदी जी इस लिस्ट में 9वें नंबर पर थे। ठीक है, नरेंद्र मोदी 9वें नंबर पर थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, कार्लोस अल्वाराडो क्यू सादा ने 8 मई 2018 को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? कार्लोस अल्वाराडो तो ये बने हैं कोस्टारिका के नए राष्ट्रपति। कोस्टारिका के नए राष्ट्रपति बने हैं कार्लोस अल्वाराडो। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 8 मई। 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 143, भारत और किस देश ने 9 मई 2018 राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को वीजा में छूट दिए जाने संबंधी तथा कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये हस्ताक्षर किया था पनामा, पनामा के साथ ये समझौता हुआ है, भारत और पनामा में समझौता हुआ है राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को वीजा में छूट दिए जाने संबंधी तथा कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग ने अपने विचारार्थ विषयों से संबंधित मसलों पर परामर्श देने के लिए 9 मई 2018 को किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद का गठन किया? तो अरविंद विरमानी की अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, जो कि 15वीं वित्त आयोग ने किया है अपने विचारार्थ विषयों से संबंधित मसलों पर परामर्श देने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने 9 मई 2018 को भारतीय ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को फ्लिपकार्ट की 77% 77% हिस्सेदारी का कितने अरब डॉलर में अधिग्रहण किया? तो ये किया है 16 अरब डॉलर में। 16 अरब डॉलर में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट की 77% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। ठीक है, 77% को 16 अरब डॉलर में। भारतीय सेना का विजय प्रहार युद्धाभ्यास 40 दिन तक चलने के बाद 9 मई 2018 को कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जैसलमेर। जैसलमेर में भारतीय सेना का विजय प्रहार युद्धाभ्यास जैसलमेर में संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 147, 5 से 9 मई 2018 तक शंघाई सहयोग संगठन SCO के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है वुहान में, चीन के वुहान में ये सम्मेलन हुआ है SCO के पर्यटन मंत्रियों का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 148, भारत इथियोपिया संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक 9 मई 2018 को कहाँ आयोजित की गई? भारत इथियोपिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 149, विश्व कप जाता है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, 10 मई को, 10 मई को मनाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 150, और जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 50 क्वेश्चंस की ये सीरीज चल रही है, 600 क्वेश्चन मुझे कवर कराने हैं, जिसमें 3 पार्ट हो चुके हैं, बाकी के नेक्स्ट पार्ट मैं अपलोड करती रहूंगी। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी मुनु महावर 10 मई 2018 को किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलेशिया में मुनु महावर को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, कंप्लीट हुए ये 50 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको?
मुझे बताकर जाइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है? थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।